ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर थाना कुतुब शेर पुलिस ने अलग अलग घरों में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री पर की छापेमारी। सुभाष फायर वर्कर सहित कई लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। सहारनपुर एसपी सिटी ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ अवैध रूप से पटाखा बनाने वाले कई घरों पर की छापेमारी। चंद पैसों के लालच अपनी जान पर खेलकर यह गरीब लोग सुभाष फायर वर्कर शॉप वाले के लिए बनाते हैं पटाखे। आज भी पुलिस ने मौके से 6 अभियुक्तों पटाखे बनाते वक्त किया गिरफ्तार। आपको बता दें, क्षेत्र के कई मकानों पर तमाम नियमों को ताक में रखकर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस टीम ने छापा मारकर लाखों रुपए कीमत के पटाखे, रैपर, विस्फोटक जब्त किए हैं। पुलिस ने छापा मारा तो अलग अलग घरों में इस मौत के कारखाने का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस को इन छोटी छोटी अवैध फैक्ट्री में पटाखों के करीब डॉल्फिन ब्रांड रैपर 17 कटे, डॉल्फिन निर्मित माल 30 पैकेट, चोपड़ा फायर वर्क रैपर 1,00,000 रैपर, सुभाष फायर वर्क ब्रांड 10,000 पैकेट, स्टेक ब्रांड चोपड़ा फायर वर्क निर्मित माल 20,000 पैकेट, विस्फोटक सामग्री गोलीनुमा करीब 40 किलो विस्फोटक बरामद किया है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि जो बड़े फैक्ट्री मालिक है जैसे सुभाष फायर वर्कशॉप, चौपट फायर और अन्य, उनके विरोध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद सहारनपुर के थाना कुतुबपुर क्षेत्र में आज घनी आबादी के बीच 3 घरों में अवैध पटाखा बनाने के सूचना पे छापा मारा गया, तो वहाँ पे काफी संख्या में जो अवैध पटाखे का निर्माण चल रहा था, बहुत भारी संख्या में निर्मित पटाखे रखे थे, भारी संख्या में बारूद और विस्फोटक रखे हुए थे, कई कंपनियों के वहाँ रैपर रखे हुए थे, उसमें 3 घरों में इस तरह की सामग्री मिली हुई है। तीनों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि कुछ बड़े बड़े यहाँ के जनपद के लाइसेंसी हैं जिनका, जो यहाँ पे हमको पटाखा बनाने के लिए सामग्री आदि देते हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं मुकदमे में, और इसकी गहराई से जांच करके इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि ये पटाखे ऐसी जगह बन रहे थे जहाँ कोई फायर के उपकरण नहीं थे, घनी आबादी में थे, अगर वहाँ कोई हादसा होता तो बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती थी, और चूंकि इनका कोई लाइसेंस नहीं, पूरी तरह अवैध है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।